मेरे साथियों, सबसे पहले आपने मोबाइल के स्क्रीन पर जो है किसी भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया। साथियों, यहाँ पे हमने क्लिक किया और गूगल के सर्च बार पे आप टाइप करेंगे यू डैश प्लस। जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो है यू डैश प्लस हमने टाइप किया साथियों, और यहाँ पे जो है यू डैश प्लस डॉट गवर्नमेंट डॉट इन इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है यू डैश प्लस डॉट गवर्नमेंट डॉट इन इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। ओके साथियों, इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद साथियों, यहाँ पर जो है प्रोसेस जारी है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है यू डैश प्लस का पेज ओपन है। दाहिने साइड में लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। ओके साथियों, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे तीन सेक्शन ओपन होगा, लॉगिन प्रोफाइल फैकल्टीज और टीचर मॉड्यूल और स्टूडेंट मॉड्यूल। ओके साथियों, सेलेक्ट स्टेट, सबसे पहले अपने राज्य को सेलेक्ट करेंगे साथियों। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश हमने सेलेक्ट किया। गो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। गो वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यू डैश प्लस एच डी एम एस लॉगिन का पेज ओपन है साथियों। उससे पहले यूजर आई डी आप फिल करेंगे यहाँ पर जो है, इसके बाद कैप्चा कोड यहाँ फिल कर देंगे। ओके साथियों, यहाँ पे कैप्चा कोड मेरे द्वारा फिल किया जा रहा है साथियों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो है कैप्चा कोड हमने फिल कर दिया है, और इसके बाद लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। ओके साथियों, जैसे लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे साथियों, यहाँ पे दो विंडो ओपन है साथियों, 2024-25 2023-24 इस एरो के निशान पर जो है क्लिक कर देंगे साथियों। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर स्कूल की प्रोफाइल जो है ओपन है साथियों, इसे आप चेक कर लें और क्लोज कर दें। ओके साथियों, स्कूल डिटेल ग्रेड वाइज 2024-25 यहाँ पे जो है स्कूल का जो है डैशबोर्ड प्रदर्शित है साथियों। टोटल एनरोलमेंट कितने हैं, टोटल बॉय कितने हैं, टोटल गर्ल्स कितने हैं, स्कूल के द्वारा यहाँ पे जो है सभी छात्रों को इनएक्टिव प्रोग्रेसर एक्टिविटी पे क्लिक करके जो है सभी छात्रों को प्रमोट किया गया है। ओके साथियों, अब साथियों यहाँ पर जो है बहुत सारे शिक्षकों के द्वारा कुछ गलतियाँ की जाती है साथियों। जैसे मान लीजिए कि पहली क्लास का छात्र है वह दूसरी क्लास में ऐड हो गया, या दूसरी क्लास का छात्र है और पहली क्लास में ऐड हो गया, तो उस छात्र को आप जो है सही क्लास में कैसे लाएंगे। तो सबसे पहले चलिए आज के वीडियो में हम देखेंगे, सबसे पहले जो है उस छात्र को हम जो है इनएक्टिवेट स्टूडेंट मॉड्यूल पर उसे हम क्लिक करके जो है इनएक्टिवेट स्टूडेंट मॉड्यूल की ऑप्शन पर जो है प्रोसेस करके उसे इनएक्टिव करेंगे। ओके साथियों, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं साथियों। और अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन पर जरूर कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहे। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं साथियों। सबसे पहले यहाँ पर जो है बाएँ साइड में एक ऑप्शन है साथियों, इनएक्टिवेट स्टूडेंट मॉड्यूल, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। ओके साथियों, यहाँ पे हमने क्लिक किया। इसके बाद यहाँ पे दो विंडो ओपन होते हैं साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है दो विंडो ओपन है, इनएक्टिवेट स्टूडेंट मॉड्यूल विद पेन, यहाँ पे जो जिन छात्रों का पीएन नंबर है ये उनके लिए है, और विदाउट पीएन जिन छात्रों का पीएन नंबर नहीं है उनके लिए है। ओके साथियों, तो यहाँ पर जो है पहला वाला जो ऑप्शन है गो बटन, इस पर क्लिक करते हैं। ओके साथियों, इसके बाद यहाँ पे इनएक्टिवेट स्टूडेंट मॉड्यूल विथ पीएन नंबर, जिस छात्र का पीएन नंबर है तो यहाँ पे एक छात्र को हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं साथियों। ये छात्र जो है पहली क्लास का छात्र है और ये जो है दूसरी क्लास में यू डैश पोर्टल पर ऐड है। ओके साथियों, इसे सबसे पहले छात्र को हम यहाँ से हटाएंगे। अब यहाँ पर इसका पीएन नंबर हम पहले फिल करेंगे साथियों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, छात्र का पीएन नंबर यहाँ पे आप फिल कर रहे हैं, और जैसे पीएन नंबर फिल कर लेंगे इसके बाद गो वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। ओके साथियों, अब यहाँ पे साथियों परमानेंट एजुकेशन नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे छात्र का नाम आ चुका है, डेट ऑफ बर्थ आ चुका है, क्लास। अब यहाँ पे छात्र जो है क्लास टू में यहाँ पे यू डैश पोर्टल पर दिख रहा है, लेकिन रियल में ये क्लास पहली का छात्र है। ओके साथियों, अब इसके बाद सेलेक्ट रीजन, यहाँ पे सेलेक्ट रीजन, यहाँ पे तीन प्रकार के ऑप्शन है, डुप्लीकेट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, ड्यू टू डेथ। तो इसमें जो है डुप्लीकेट एंट्री नहीं होगा, रॉन्ग एंट्री, गलत एंट्री हो गया है। ओके साथियों, इसके बाद यहाँ कैप्चा कोड फिल करेंगे साथियों। कैप्चा कोड जैसा कि देख पा रहे हैं, कैप्चा कोड जिस तरह से यहाँ दिया गया है वही कैप्चा कोड फिल कर देना है। ओके साथियों, यहाँ पे हमने कैप्चा कोड फिल कर रहे हैं साथियों। कैप्चा कोड हमने यहाँ पे फिल कर दिया।
इसके बाद यहाँ पे जो है रिमार्क, रिमार्क कॉलम में लिखेंगे रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री। इसके बाद यहाँ पे नीचे बना हुआ है इनएक्टिवेट का जो है यहाँ पे ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक कर देंगे। ओके साथियों, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे रिक्वायर्ड आ गया है रॉन्ग एंट्री। यहाँ पे जो है साथियों थोड़ा सा यहाँ पे देखिए क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद इनएक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक मैसेज आ गया है, आर यू श्योर यू वांट टू इनएक्टिवेट दिस स्टूडेंट, आप कंफर्म है कि जो जानकारी आपने छात्र का भरा है क्या सही भरा है, आप कंफर्म कर लें। ओके साथियों, इसके बाद यहाँ स्टूडेंट इनएक्टिवेटेड सक्सेसफुली, अब यहाँ पे सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। ओके साथियों, तो इस तरह जो है यदि आपने जो है गलती बस जो है ऐसे छात्रों को जो है जो छात्र रियल में जिस क्लास में है उस क्लास में होना चाहिए लेकिन दूसरी क्लास में बता रहा है, तो सबसे पहले आपको जो है उन छात्रों को, ऐसे छात्रों को इनएक्टिवेट स्टूडेंट मॉड्यूल पर आपको क्लिक करके उस मॉड्यूल पर जो है इन्हें सेलेक्ट करना है। ओके साथियों, आज का बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अभी छात्र को हम उस क्लास में कैसे एक्टिव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे साथियों। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, थैंक यू सो मच।